कैसा है मेरा दोस्त? मेरे भाई, कॉपी पेन निकाल लो और आज की डेट डाल लो। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई। देन हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा हमारा रिलेशन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने पकड़ा है यहाँ पे ए बी सी। ओके, एक ट्राइंगल यहाँ से हम फॉर्म कर लेते हैं ए बी सी और एक ट्राइंगल मैंने इधर पकड़ लिया डी ई एफ। एक ट्राइंगल इधर पकड़ लिया डी ई एफ। ओके, तो अभी देखो इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। एक एंगल जो हमारा दे रखा ना बी, वो ई के इक्वल है। तो अगर मैं बी वाला एंगल यहाँ पकड़ के चल रहा हूँ तो ई वाला एंगल क्या करेंगे, इधर लेके चलेंगे। सेम हमको देखो यहाँ पे एफ इक्वल टू सी गिवन है। तो ए हमने यहाँ लिया था, इसको इधर ले लेते हैं, ए को, बी ये हो गया और सी ये हो गया। उसके बाद जो हमारा एफ है वो सी के इक्वल है, तो ई इधर होगा हमारा और एफ इधर होगा, ई एफ डी। तो ऐसा हमने सीक्वेंस बनाना है ताकि जो हमारा क्राइटेरिया वो फुलफिल हो सके। तो अभी इसमें देखो क्या हो रहा है, जो ए बी है ना वो हमको दे रखा 3 टाइम्स ऑफ डी ई। ये ए बी इक्वल टू हमको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ डी ई। देखो इसमें दो एंगल हमारे इक्वल आ रहे हैं, एक जो एंगल एफ है वो सी के इक्वल है और बी इक्वल टू ई है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल जो ए बी सी है ना, ए बी सी ये वाला, वो सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। बट यहाँ पे क्या देखो, जो हमारी साइड है ना ये डी ई, वो इसकी 3 टाइम, जो ए बी है ना साइड इसकी ये वाली, वो डी ई की 3 टाइम्स है। कहने का मतलब ए बी वाला ट्राइंगल हमारा बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों सिमिलरिटी के लिए हमारी क्या कंडीशन है, सिमिलरिटी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, दोनों जो हमारे फिगर्स दे रखे हैं उनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी के लिए हमारा क्या है कि दोनों फिगर का जो शेप है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कंग्रुएंस के लिए क्या कंडीशन है, कंग्रुएंस होने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेम हमारा जो शेप है वो सेम होगा, दोनों फिगर का शेप जो है वो सेम होगा और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ए बी है ना वो डी ई का 3 टाइम्स है, इसका मतलब ए बी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला जो साइज है वो बड़ा साइज का है और ये छोटे साइज का है, तो कहने का मतलब ये हमारा कंग्रुएंसी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है क्योंकि डबल ए से हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो सिमिलर तो है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट। तो जो ऑप्शन बी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्त।